Welcome to my YouTube channel Beauty and Health Studio. Friends, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आई हूँ पार्क में और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ हेल्थ से रिलेटेड योगासन जो आपके हेल्थ को रखेंगे फिट, आप बीमारियों से होंगे मुक्त और आपकी स्किन भी काफ़ी ग्लो करेगी और यदि आपकी स्किन में पिंपल्स वगैरह भी हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है पहले के लोग 100 साल तक क्यों जिया करते थे? इसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि वो प्रकृति के गोद में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताया करते थे और सुबह सुबह वो जो एक फ्रेश एयर है उनके बॉडी में जाती थी तो उनको सारी बीमारियों से मुक्त रखती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आज लोग प्रकृति से दूर भाग रहे हैं, ज़्यादातर टाइम अपने ऑफिस में एसी पे बिताना अच्छा समझेंगे लेकिन वो प्रकृति के गोद में नहीं आना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट योगासन करके दिखाऊंगी जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो आज मैंने जो पिछला वीडियो शूट करा था उसमें मैंने आपको कुछ हाइट इंक्रीज करने के लिए बताया था, उसमें मैंने एक ताड़ासन का नाम लिया था। आज मैं वो ताड़ासन भी आपको करके दिखाऊंगी जिससे आपके जो बच्चे हैं उनकी हाइट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ ताड़ासन से। मेरा पहला योगासन ताड़ासन, जिसे हम करके दिखाएंगे यदि आपके बच्चों की हाइट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ ताड़ासन, जिसे अगर आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप उनको ये बोल सकते हो अगर वो ये आसन करते हैं तो उनकी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। तो मैं वो करके दिखाने चल रही हूँ आपको। आपको करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, आपको थोड़ा सा अपने पैरों के बीच में स्पेस देना है और अपने हाथों को ऐसे ले जा करके ऊपर लेके जाना है। उसके बाद अपने पैरों को उठा लेना है, एड़ियों को पंजे के बल खड़े हो जाना है और ये दोनों हाथ को जोड़ देना है। उसके बाद आपको कम से कम 1 मिनट तक ऐसे खड़े होने की कोशिश करनी है। यदि 1 मिनट आप नहीं खड़े हो पाते हैं तो आधा मिनट ही कोशिश करिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ले जाके ऐसे जोड़ के ऊपर की ओर अपनी बॉडी को मूव करना है और कोशिश करिए कि आप ऐसे खड़े हो पाएँ। स्टार्टिंग में आपसे ये नहीं हो पाएगा लेकिन बाद में आप इसे काफ़ी देर तक भी कर सकेंगे। इससे आपके बच्चों की हाइट काफ़ी अच्छी बढ़ने लगेगी, फिर वापस अपनी जगह आ जाए और अपने पैरों को अंदर कर लें, जो स्पेस था उसे ख़त्म कर लें। दूसरा चीज़, अगर आप उनकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखना है और ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है, नीचे आना है, हाथ को ऊपर ले जाके जोड़ के ऊपर ले जाएं, फिर नीचे आए। ये आपको करना है कम से कम, अगर आप नहीं तो 15-20 मिनट तो आपको करना ही है। अब मैं आपको कुछ ब्यूटी से रिलेटेड योगासन बताने वाली हूँ। आपको अपने पैरों को राइट वाला जो लेग है आपको यहाँ रखना है, उसके बाद लेफ्ट वाले पैरों को आपको यहाँ रखना है और आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, हाथ को ऐसे करना है। उसके बाद आपको आंखें बंद करके अपनी सांस को खींचना है, फिर छोड़ना है, क्योंकि सुबह की जो ये फ्रेश एयर जो आती है हमारी बॉडी में, इससे हमारी जो बॉडी है उसमें किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं या हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। इससे आपकी जो स्किन में ये फ्रेश वायु जाएगी, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी स्किन में किसी प्रकार की कोई डिसेसेस वगैरह कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो भी दूर होगी। तीसरा योगासन बताने वाली हूँ। यदि आपको इसनोफीलिया की शिकायत है, आपको बार बार जैसे थोड़ी सी भी धूल से एलर्जी हो जाती है या कोई पॉल्यूशन वगैरह में आप जाते हैं तो आपको छींकें आने लगती हैं, तो मैं आपको बताऊंगी मॉर्निंग में हम एक ऐसा योगासन करते हैं जिससे हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। और एक क्योंकि जब ये सुबह की फ्रेश एयर हमारे अंदर जाती है तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर या कुछ भी, उनको सबको ये ठीक करके हमें एक हेल्दी बॉडी जो है देती है। तो अभी मैं आपको ये थर्ड योगासन करके दिखाने जा रही हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है कि अपनी जो राइट हैंड है उसका जो ये अंगूठा है आपको इस राइट की तरफ नोज में लगाना है और इसके बाद ये छोटी वाली उंगली जो है आपको यहाँ फिक्स करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इधर से सांस लेना है, फिर इधर से छोड़ना है, ठीक है। मैं करके दिखा रही हूँ।
आपको इधर से सांस लेना है फिर उधर से छोड़ना है। ये आपको 5 मिनट तक करना है स्टार्टिंग में, इसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो आपको ये 15 मिनट तक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपकी बॉडी के लिए। आप पूरे दिन भर फ्रेश फील करेंगे और आपको पूरे दिन भर ऐसी एनर्जी फील होगी कि आप खुद भी आप ट्राई करके देखिए आपको क्या अच्छा लगता है आपके अंदर। उसके बाद मैं आपको 4th योगासन करके दिखाने वाली हूँ। इसमें ये है, आपको आपने सुना भी होगा ये रामदेव का जो कपाल भाति जिसे हम कहते हैं, अगर आपके पेट में किसी तरीके का कोई स्टोन है या किसी आपका जो पाचन शक्ति है वो अच्छी नहीं है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, और अगर आपके जो है किडनी में स्टोन है, या फिर आपकी जो खाना खाते हैं और आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है तो उसके लिए, या फिर आपकी यूरिन में इन्फेक्शन है या कुछ भी पेट में किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम है ज़्यादातर, तो उसको ये ठीक कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो कभी कभी होता है कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, हम उसके लिए अनार वगैरह पालक की हरी सब्जियाँ खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो बढ़ेगा कैसे जब हमारे पेट में ही प्रॉब्लम होती है, तो हम जितना भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं लगता है। तो अगर आप कपाल भाती करेंगे तो आपके जो बॉडी है वो काफ़ी हेल्दी हो जाएगी और आपके पेट में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएंगी। आपको करना क्या है कपालभाति में, आपको सांस लेना है, सांस छोड़ना है, फिर सांस लेना है, और ये चीज़ें आपको झटके में करनी है। कैसे, आपकी बॉडी देखिए, ये मैंने छोड़ा, ये मैंने लिया सांस, उसके बाद फिर मैंने सांस छोड़ा, और ये चीज़ आपको कम से कम 10 मिनट तक करनी है। अगर आप 10 मिनट तक इसे करते हैं तो आप विश्वास करिए आपके पेट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद भी करती हूँ, पहले मेरा वेट 75 के आसपास था, जब से मैंने कपाल भाती करना स्टार्ट कर दिया है अभी मेरा वेट जो है 55 के आसपास हो गया है, और आप खुद भी देख सकते हैं कि मुझे क्या फ़र्क मिला है इस योगासन को करने से। तो आप ज़रूर ट्राई करिए इसे, ये आप हाइट के लिए, और अगर आपको स्किन से कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए, अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें और लाइक करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि कौन से 4 योगासन मेन हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, जो हमारी बॉडी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो या हमारी बॉडी को हमें हेल्दी बनाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फ्रेंड बताना नहीं भूलिएगा, और लाइक करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन दबाना है उसे मत भूलें, क्योंकि इसके अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आप जो मेरी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा जो वीडियो कुछ हेल्थ से रिलेटेड, और अगर आप इसे करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा, आपके अंदर पूरे दिन भर एनर्जी और फ्रेश फील होगा, और काफ़ी अच्छा आप फील कर पाएंगे और बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड।